हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशंस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अंडर काउंटर वॉश बेसिन एंड टेबल टॉप वॉश बेसिन। आज हम आपको बताएंगे इन दोनों वॉश बेसिन में क्या अंतर है, आपको अपने घर में कौन सा वॉश बेसिन लगाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर है, साथ ही आपको बताएंगे फिक्सिंग डिटेल्स और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो वॉश बेसिन होम या ऑफिस इंटीरियर का बहुत ही छोटा पार्ट है, पर इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। इंटीरियर्स में वॉश बेसिन का सही सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वॉश बेसिन काउंटर टॉप हो या अंडर काउंटर, यह उसकी यूसेज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वॉश बेसिन घर के लिए लेना चाहते हैं तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन और काउंटर टॉप वॉश बेसिन दोनों ही लगा सकते हैं, क्योंकि घर में वॉश बेसिन का यूज़ सिर्फ फैमिली मेम्बर्स द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर आप वॉश बेसिन ऑफिस या किसी पब्लिक प्लेस जैसे मॉल, शॉप, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि के बाथरूम में लगवाना चाहते हैं तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन का यूज़ बेस्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंडर काउंटर वॉश बेसिन को क्लीन करना आसान होता है, क्योंकि इसमें काउंटर और बेसिन का टॉप एक ही लेवल पर होता है। हैंड वॉश के बाद जो पानी काउंटर पर गिर जाता है उसे आसानी से स्मॉल वाइपर की मदद से साफ किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ काउंटर टॉप वॉश बेसिन को इस सिचुएशन में साफ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। दूसरा, वॉश बेसिन का सिलेक्शन उस एरिया के आधार पर भी कर सकते हैं जहां उसे लगाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंडर काउंटर वॉश बेसिन ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है काउंटर टॉप वॉश बेसिन की तुलना में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेम साइज़ का काउंटर टॉप लेते हैं तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन को फिट करने के लिए अगर 2 फीट की विड्थ का काउंटर चाहिए तो आप यह साइज़ बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर काउंटर टॉप वॉश बेसिन है तो काउंटर की विड्थ को 18 इंच तक किया जा सकता है, क्योंकि यह बेसिन काउंटर के ऊपर लगाया जाता है। अंडर काउंटर बेसिन की तुलना में काउंटर टॉप बेसिन 6 इंच तक कम जगह लेता है। इस इमेज की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा, कॉस्टिंग के आधार पर वॉश बेसिन काउंटर टॉप लेना है या अंडर काउंटर, यह आपके बजट पर भी निर्भर करता है। अंडर काउंटर वॉश बेसिन की तुलना में काउंटर टॉप वॉश बेसिन को लगाने में ज़्यादा खर्च आता है। इसे आप इस चार्ट की मदद से समझिए। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा अंडर काउंटर बेसिन एंड राइट हैंड साइड में है हमारा काउंटर टॉप बेसिन। तो अंडर काउंटर बेसिन से स्टार्ट करते हैं। बेसिन की कॉस्ट लो होती है और दूसरी तरफ बेसिन की कॉस्ट हाई होती है। नॉर्मल साइज के नल या फॉसेट का यूज़ किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग बॉडी नल या फॉसेट का यूज़ होता है जो ज़्यादा कॉस्टली आती है। वैनिटी की जरूरत नहीं, दूसरी तरफ वैनिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्थेटिक्स और लुक्स के आधार पर देख लेते हैं। एस्थेटिक्स एंड लुक्स के मामले में काउंटर टॉप वॉश बेसिन ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, पर मेरी राय यह है कि आप एस्थेटिक और लुक के आधार पर वॉश बेसिन का सिलेक्शन ना करें। आप वॉश बेसिन का सिलेक्शन यूसेज के आधार पर ही करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी वॉश बेसिन एक बार फिक्स कर दिया उसके बाद उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए अब ये देख लेते हैं कौन से एरिया के लिए कौन सा वॉश बेसिन ज़्यादा बेटर है यूसेज और एरिया के आधार पर। घर के लिए दोनों ही बेटर ऑप्शन है। अगर एरिया का इशू हो तो काउंटर टॉप एक अच्छा ऑप्शन है। ऑफिस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा अंडर काउंटर वॉश बेसिन, क्योंकि यूसेज ज़्यादा है और मेंटेनेंस कम, तो आप अंडर काउंटर बेसिन ही लगाएं। स्कूल्स, मैरिज हॉल, मॉल, पब्लिक प्लेस आदि में अंडर काउंटर बेसिन ही लगाएं। चलिए अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स देख लेते हैं। वॉश बेसिन की हाइट 32 से 34 इंच के बीच ही रखें, चाहे वह काउंटर टॉप वॉश बेसिन हो या अंडर काउंटर। यह हाइट घर के फिनिश फ्लोर से वॉश बेसिन के टॉप तक है। नेक्स्ट इज, नल के पानी का कनेक्शन गर्म और ठंडा दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट इज, मॉडलर फॉसेट या नल का ही यूज़ करें जिसमें ऑटो मिक्सर हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पॉज करें
और डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें। होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।